अगर आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके IVF के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाए। IVF में हमें तीन चीजें इम्पोर्टेंट होती है, बट कुछ फैक्टर्स है जो कि आपके स्पर्म पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any important updates related to infertility. I am Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indrai Wellness and Fertility Center. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं अपने अगर आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके IVF के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाए। IVF में हमें तीन चीजें इम्पोर्टेंट होती है, हस्बैंड की तरफ से स्पर्म एंड फ्रॉम फीमेल पार्टनर यूट्रस एंड एग्स। सो जो रॉ मटेरियल है वो आप ही के शरीर से आना है, तो उनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। पहले तो हमको ये समझना है कि कोई भी कपल अगर अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा है तो बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स का इवेल्यूएशन साथ में स्टार्ट होना है, क्योंकि 30-40% केसेस में मेल एंड 30-40% केसेस में फीमेल कैन बी द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। सो बोथ इक्वली रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो इन हस्बैंड स्पर्म जो है वो एवरी 3 मंथ्स न्यू फॉर्म होता है, तो अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है जैसे काउंट थोड़ा कम है, इन्फेक्शन है, मोर्टिलिटी या मॉर्फोलॉजी थोड़ी डाउन है, तो हम मेडिसिन देके देख सकते हैं और फिर रिपीट सैंपल चेक कर सकते हैं कि उनका कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। बट कुछ फैक्टर्स है जो कि आपके स्पर्म पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्मोकिंग आपका जो स्पर्म का DNA है उसको ब्रेक करता है, तो आपका जो DFI करके टेस्ट होता है DNA फ्रेगमेंटेशन के लिए वो ब्रेज आ सकता है। तो स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल हो गया है, अगर आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको उस टाइम पे ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। दूसरा योगा एक्सरसाइज आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखता है, योगा मेडिटेशन आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर भी एक रीजन हो सकता है आपके जो स्पर्म पैरामीटर्स है उनको अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रेस है स्मोकिंग हो गया ये सब आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव रेडिकल्स को इंक्रीज करता है जो कि स्पर्म के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पे भी स्टार्ट करते हैं जस्ट टू डील विद दिस फैक्टर्स। इन फीमेल्स जो एग्स है उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एग्स का क्वालिटी तो डिक्रीज होता है, क्वांटिटी भी डिक्रीज होता है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट क्वालिटी यस वी कैन मेंटेन बाय डूइंग हैविंग हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज रेगुलर, आप मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करिए, अपना जो योगा है मेडिटेशन है एंड आपके स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको स्टॉप करिए, बाकी जो है अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप सही टाइम पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपकी एज लेस देन 35 है तो आप 1 ईयर तक नेचुरल ट्राई करिए, अगर नहीं कंसीव होता है तो आप अपने नजदीकी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए, लेकिन अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो आप 6 मंथ नेचुरल ट्राई कर लें, और उसके बाद अगर नहीं कंसीव होता है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.